हेलो एवरीवन, ये हमारा पैड लॉक है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने के लिए टीटी लॉक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी आप कोई भी फिंगर टच करेंगे ये लॉक ओपन हो जाएगा, इसलिए आपको जाना है ऐड लॉक में। उसके अंदर आएगा पैड लॉक का ऑप्शन और ये डिवाइस आपको यहाँ पे पॉपअप शो करेगा। आपको एक बार फिंगर टच करना पड़ेगा, जैसे ही ये शो करता है आपको प्लस का बटन दबाना है और ये डिवाइस ऑटोमेटिकली ऐप के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे ही वो ऐड हो जाता है आपको नेम जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। जैसे मैं इसको पैड लॉक ऑफिस करके ऐड करूँगा, ये डिवाइस इसमें ऐड हो गया। सो ये पैड लॉक ऑफिस आ गया। अब अगर आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना है तो आपको जाना है फिंगरप्रिंट्स में, और जैसे मेरा नाम है ज़ीशान, सो मैं ज़ीशान 1 करूँगा बिकॉज मैं मेरा फर्स्ट फिंगर लर्न करूँगा। तो उसके बाद आपको स्टार्ट दबाना है और ये आपको 6 बार अलग अलग एंगल से फिंगर को टच करना है। ये प्रोसेस यहां पे आपको इसमें भी दिखाई देगा। ये मेरा फिंगर इसमें ऐड हो चुका है। सो जैसे ज़ीशान 1 एक फिंगर ऐड हो चुका है। अब ये कोई भी फिंगर से ओपन नहीं होगा। अभी मैं ये कोई भी फिंगर टच करूंगा, ये ऐड हो चुका है एक फिंगर, अभी इससे ही ये ओपन होगा। सो सेम, अगर आपको और फिंगर्स लर्न करना है आपको जाना है फिंगरप्रिंट्स में, ऐड फिंगरप्रिंट, इसमें नाम दीजिए आप ज़ीशान 2, नेक्स्ट। अब मैं मेरा नेक्स्ट फिंगर लर्न करूंगा। अभी जैसे मैं ये फिंगर को लर्न करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको अलग अलग एंगल से करना है। सो ये 2 मेरे फिंगर्स ऐड हो चुके हैं। सो ऐसे आप नंबर ऑफ फिंगर्स अप टू 50 फिंगर्स आप ऐड कर सकते हो, और ब्लूटूथ एप्लीकेशन से भी आप अनलॉक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे टच करोगे तो वो ब्लूटूथ एप्लीकेशन से भी ये अनलॉक हो जाएगा, और इसके लॉग्स भी आप रिकॉर्ड्स में जाके देख सकते हो किसने कब इसको अनलॉक किया था, वो रिकॉर्ड्स भी आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। थैंक यू।